बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर हुई बात पीएम मोदी। भारत हमेशा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, और उन्होंने हिंदूस की प्रोटेक्शन की रीअश्योरिटी दी है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है, कहा है कि वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अधिकांश हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर आज इनको अगर हम 2-4 दिन 10 दिन मेडिसिन सप्लाई बंद कर दें, इनको एक कुत्ता भी काट ले, इनके पास मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी, एक रिबीज का इलाज भी नहीं करा पाएंगे। और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। तुमने हिंदुओं को मारा, तुमने हिंदुओं को बेघर करा, औरतों के साथ रेप करा, तुमने जो बुरा से बुरा करना था, और हमें ये बात पता है 100%। और ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई बांग्लादेश से, भाई यही बांग्लादेश 6 महीने के अंदर बाप बाप करेगा, यही बांग्लादेश 6 महीने के अंदर बाप बाप करेगा, पैरों पे गिरेगा। देखिए प्रोटेस्ट हुआ आपके मुल्क के, आपके स्टूडेंट बाहर निकले, आपके स्टूडेंट ने बड़े एहतजाज किए, तोड़ फोड़ किए, अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर दिया, अपने मुल्क की बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं हमेशा ये बात पूछना चाहूंगा, अच्छा, हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने हिंदुओं की इबादतगाह को तोड़ना शुरू कर दिया? भाई कहा कि भारत से बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता, बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटेग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहां पर कोई भी रूलर आए, उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। और मैंने सिर्फ यही नहीं कहा था, ये तो शायद बहुत सारे लोग कह रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स उठाकर देखें, मैंने ये कहा था कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द बांग्लादेश की तरफ से राबता किया जाएगा इंडिया के साथ, और वही हुआ, इंडिया के साथ राबता किया गया है। और ये राबता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर उस सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ हसीना के आउट होने के बाद, तो जिस कंट्री से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है वो इंडिया है। इसकी ये तो सिग्निफिकेंस अपनी। आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है, और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें, और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। फोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं, और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहां पे भी हिंदूज मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा।
ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खुला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने एडवाइज किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइज किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए, जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो, और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो, 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वॉज अराउंड 17-18 अरब डॉलर, आप क्या समझते हैं कि ये isn't it an important partner? And then आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो जरूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग से वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मींस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। वो जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है, टीयर टू आ सकता है, टीयर वन पकड़ा जाता है, टीयर टू उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर थ्री तो मौजूद है ना, अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वॉन्ट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। अब तो बात यहां तक आ गई है कि हिंदुओं से सीधे प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, और कहा जा रहा है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दो या फिर मारे जाओ या देश छोड़कर भाग जाओ।